पक्ष को लेकर बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा कि टीएमसी पहुंच गए, एनसीपी, शिवसेना सब पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो डैमेज नहीं कर पाए जो उन्होंने सोचा था। सुधीर सूर्यवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी कोशिश हुई थी विपक्ष की ओर से कि एक नैरेटिव तैयार किया जाए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ना कांग्रेस को फायदा मिला ना बाकी जो विपक्षी पार्टी गए थे, उल्टा बीजेपी को शायद उसका फायदा मिल गया है। हाँ, आप सही बात करें, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ गोवा में। आपको याद होगा जब 2012 में गोवा में इलेक्शन हुए थे मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में, उस टाइम में बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता मिली थी, 21 सीट उन्होंने जीती थी। लेकिन वो 21 सीट्स में 3 सीट एमजीपी की थी। लेकिन दूसरी बार जब प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सरकार आई, अभी उन्होंने शपथ लिया मुख्यमंत्री का, तो उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत 20 सीटें विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी रीजनल पार्टी और एनी लोकल पार्टी, बिल्कुल बीजेपी को 20 सीटें मिली है। सबसे बड़ी जीत बीजेपी को प्रमोद सावंत के नेतृत्व में मिली है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि प्रमोद सावंत की है, जबकि उनको जो सीट मार्जिन है, वोटिंग मार्जिन है, वोट का मार्जिन है, उनके जो सैकलेन सीट है वहां पे काफी कम रहा। इस बार 666 वोट का ही वोट से ही जीत पाए, लास्ट टाइम वो 2000 वोट से जीते थे। लेकिन तभी भी जो बीजेपी के जिस तरह से विक्ट्री मिली है गोवा में, वो अद्भुत है, उसको कोई कंपेयर कर नहीं सकते। जब भी हम पास हिस्ट्री बीजेपी की देखते हैं, तो ये सबसे बड़ी जीत, एक माइलस्टोन जीत अपन उसको जीत को कह सकते, ये प्रमोद सावंत के नेतृत्व में बीजेपी को मिली है। और दूसरी, सुधीर जी, ये जो बहुत बड़े चेहरों के बीच में एक प्रमोद सावंत का इतना यंग चेहरा, क्या वो डायनामिक्स बदलता है गोवा की पॉलिटिक्स का? देखो, जब प्रमोद सावंत पहली बार 2012 में चुन के आए, तो पहला इलेक्शन 2008 में उन्होंने लड़ा था, बायपोल था, वो हार गए थे। लेकिन 2012 में चुनने के बाद में वो उनको एक कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उनका चेयरमैन बनाया गया था। 2000 उसके बाद में उनको स्पीकर का पद दिया गया था मनोहर पर्रिकर ने, और बाद में मनोहर पर्रिकर का देहांत के बाद में उनको 2019 में उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी गई थी। जब 2017 में बीजेपी को सिर्फ 13 सीट्स आई थी, कांग्रेस को 17 सीट्स थी, उसके बावजूद बीजेपी ने अपने जो लोकल अलायंस है उनको साथ में लेते हुए एक गठजोड़ की सरकार बनाई थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रमोद सावंत के सामने था, ये सरकार टिकाना और उसको सक्सेसफुली रन करना। तो ये चैलेंज प्रमोद सावंत ने सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको बहखूबी से उसको निभाया भी। प्रमोद सावंत के जो टेन्योर में सबसे बड़ा जो जो डिफेक्शन है कांग्रेस से कम 10 MLA बीजेपी में ज्वाइन हुए, तो उनकी सरकार मजबूत हो गई, और उसके साथ ही वो मजबूती का फायदा उनको ये जो इलेक्शन हुआ 2022 में, उनको बहुत बड़ा मुनाफा भी इस इलेक्शन में हुआ। इसलिए प्रमोद सावंत ने दिखा दिया कि लीडरशिप कैसी होती है, उनको एक इंक्लूसिव लीडरशिप किया कि कैसे हो सकता है कि बीजेपी गोवा में कैथोलिक कम्युनिटी बहुत ज्यादा पैमाने पे, तो वो कम्युनिटी के साथ में लेकर भी चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो मनोहर पर्रिकर ने सक्सेसफुली किया था। उसके बाद में कौन करेगा, एक बड़ा चेहरा टू फिल द मनोहर पर्रिकर शूज वाज क्वाइट टफ एंड डिफिकल्ट, बट स्टिल यू नो प्रमोद सावंत हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ गुड लीडर हु कैन टेक अलोंग विद द ऑल माइनॉरिटीज। इसलिए इस बार भी अपन ने देखा होगा कि 2022 में सबसे ज्यादा कैथोलिक कम्युनिटी को 28% यानी कि कुल मिला के 12 सीट्स कैथोलिक कम्युनिटी को दिया था, उनमें से 8 लोग चुन के आए। तो इसलिए एक इंक्लूसिव चेहरा गोवा का और यूपी का, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो गोवा का जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वो इंक्लूसिव है, हर कम्युनिटी को साथ में लेके चलता है। जैसे कि 8 लोग अभी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो 8 लोग जब आप नाम देखेंगे तो उनमें कास्ट, रिलीजन और रीजनल बैलेंस किया है बीजेपी ने प्रमोद सावंत के नेतृत्व में। तो इसलिए प्रमोद सावंत की उपलब्धि काफी बड़ी है। प्रमोद सावंत, अच्छा, आप जो रीजनल बैलेंस की बात करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कैबिनेट के जो 8 चेहरे हैं वो भी शपथ ले रहे हैं, हर्षी, क्या वही रीजनल बैलेंस दिखाई देता है? क्योंकि देखिए, गोवा एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज्यादा, अगर हम ये कहें, नॉर्दर्न बेल्ट में चर्चा में नहीं रहता,
लेकिन जब से बीजेपी की वहां पे इस तरह से सरकार बनी है, 2014 से ही हम जिस तरीके की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अब चाहे वो दक्षिण के राज्य हों, गोवा की हम बात कर लें या पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें, खूब चर्चा होती है। हम स्पेशली अगर बात करें कि गोवा के इस रीजनल बैलेंस की, तो क्या वो रीजनल बैलेंस भी दिखाई देता है ये जो 8 चेहरे नजर आ रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये, जब भारतीय जनता पार्टी विस्तार कर रही है तो उसकी चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। अगर वहां भाजपा नहीं जा रही होती तो एक रूटीन प्रोसेस होता, और इसीलिए जब चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, कर्नाटक में फिर से जब सरकार है, या अगर वो छोटी मोटी जीत भी हासिल करती है, तमिलनाडु में वार्ड में भी जीत जाती है, तो उसकी चर्चा होती। लेकिन गोवा को लेकर एक बात समझना चाहिए कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी का भले ही बहुत बड़ा आधार न रहा हो लंबे समय से, लेकिन हाल के जो दो दशक की हम राजनीति कहेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही। एक समय में लगभग लगभग बराबरी का मामला रहा, और गोवा को अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से कंपेयर करके देखें, और यहां भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद वहां अभी भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो बड़े ताकतवर हैं। इतने छोटे से राज्य में कांग्रेस है, भाजपा है, दूसरी पार्टियां भी घुस गई, उसके बावजूद छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो जो रीजनल बैलेंस की बात है ना, वो अनिवार्य शर्त है। वो ऐसा नहीं है कि किसी को आपको देना है। जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो कास्ट और जो रीजन का बैलेंस बनाना है वो बनाना है, क्योंकि ठीक है उन्होंने दे दिया, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां अनिवार्य शर्त है, क्योंकि हर जगह एक ऐसा ताकत, जाहिर सी बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, कि जिस तरह से गोवा के अंदर हम ही बात कर रहे हैं कि देखिए ना, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, वहां पर छोटी छोटी रीजनल पार्टीज भी है, आम आदमी पार्टी की भी वहां पर जीत गया, तो ऐसे में आपको हर इलाके को देखना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसा बताया गया, वहां पर कैथोलिक कम्युनिटी और दूसरी जो वहां पर कोंकण कम्युनिटी है वो बहुत वहां पर स्ट्रांग मानी जाती है, इसलिए इन दोनों के बीच जो बैलेंस रहेगा वही वहां पर सत्ता में काबिज रह सकता है गोवा में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।